नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। लंबे समय से आप सुन रहे होंगे कि आधार से पैन कार्ड को लिंक कराने का आदेश सरकार दे रही है और सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए पैन को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा 3 महीने और बढ़ा दी है। अब लास्ट डेट 30 सितंबर है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे हम आधार को पैन से लिंक करें और आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम आपको बेहद ही आसान तरीका बताएंगे जिससे आप अपने पैन से आधार को लिंक कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और आप पर 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। आइए जानते हैं इसके लिए आखिर आपको करना क्या है। SMS के माध्यम से पैन को आधार संख्या से जोड़ने के लिए आपको मैसेज में UID पैन स्पेस 12 अंकों का आधार नंबर स्पेस देकर 10 अंकों का पैन नंबर टाइप करना है और इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दीजिए। SMS भेजने के बाद आधार नंबर को पैन नंबर से लिंक कर दिया जाएगा। वेबसाइट के माध्यम से भी आप अपना आधार और पैन लिंक कर सकते हैं। आयकर विभाग के नए ई फाइलिंग पोर्टल IncomeTaxIndiaEfiling.gov.in पर जाएं। पोर्टल में आपको लिंक आधार का सेक्शन नजर आएगा, उस पर क्लिक करिए, जिसके बाद आप उस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां से आधार और पैन लिंक होता है। वहां पर आपसे पैन नंबर और आधार नंबर भी पूछा जाएगा, इसे भर दें और इसके बाद आपको सही कैप्चा भी भरना होगा। आखिर में लिंक आधार बटन पर क्लिक करिए। इतना करते ही आपका काम पूरा हो जाएगा और कुछ ही दिनों में आपका पैन और आधार भी लिंक हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि आधार 12 अंकों का यूनिक आइडेंटिटी नंबर है जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UID की तरफ से जारी किया जाता है। ये भारतीय नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेजों में से एक है। वहीं पैन एक 10 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, इसे आयकर विभाग द्वारा अलॉट किया जाता है। फाइनेंस से जुड़े काम को पूरा करने के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है। आधार और पैन को लिंक करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है इन स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो करना। और हमें उम्मीद है आपके सवालों के जवाब आपको अब मिल गए हैं। इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको इंडिया TV पहुंचाता रहेगा। देखते रहिए लगातार इंडिया TV।